हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनप्रे देतीमन। सरकारी शिक्षक भर्ती का एक नया विज्ञापन जारी हुआ है। 1065 पदों पर वैकेंसी आई है, परमानेंट पोस्ट रहने वाली है। सैलरी यहाँ पर 65,000 आप लोगों को दी जाएगी। सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इसके अलावा जो है फिलोसॉफी की वैकेंसी है, आईटी की है, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, ठीक है, काफ़ी जो है सब्जेक्ट की वैकेंसी यहाँ पर आई है। परमानेंट पोस्ट है, रेगुलर पोस्ट हैं। बीएड, बीटीसी, सीटेट जो है यहां पर नहीं मांगा गया है। बाकी चीजें जो है कैसे एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरना है और कहां से वैकेंसी आई है, सारी चीजें हम नोटिफिकेशन में चेक करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ओपनिंग डेट जो है स्टार्ट हुए हैं ये 11 सितंबर से, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 11 सितंबर से। नेक्स्ट जो है क्लोजिंग डेट रहेगा 13 अक्टूबर। तो आज से ही जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 13 अक्टूबर तक जो है ये चलने वाले हैं। तो समय से पहले जो है वो आप लोग एप्लीकेशन कर दें। बाकी यहाँ पर वैकेंसी पोजीशन, कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि नेम ऑफ सब्जेक्ट यहाँ दिए हुए हैं। सभी सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। एंथ्रोपोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी। नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं तो वो भी बिल्कुल दिखाई आपको दे रहे हैं। 146 पोस्ट जो है यहाँ पर इकोनॉमिक्स के हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर बॉटनी के 51 हैं, केमिस्ट्री के 75 हैं, इंग्लिश के आप देखें यहाँ पर 115 पोस्ट हैं। ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, उसके बाद आईआरपीएम, लॉ है, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस, फिलोसॉफी की वैकेंसी है, मैथमेटिक्स की है, उड़िया की है, फिजिक्स की है, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी, सभी सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। टोटल जो है यहाँ पर 1065 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। और कुछ जो पोस्ट हैं, नंबर ऑफ पोस्ट रिजर्व, कैटेगरी वाइज जो है वो रिजर्व हैं। आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट यहाँ पर कहा है कि जो है मिनिमम 21 ईयर और 42 ईयर जो है यहाँ पर मैक्सिमम, 42 साल से अधिक जो है नहीं होनी चाहिए। 21 से लेकर 42 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बीएड, बीटीसी या सीटेट जो है यहाँ पर नहीं मांगा गया है। तो यहाँ पर जो है कहा है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी उस सब्जेक्ट में जिसके लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म डालना चाहते हैं, 55% अंकों के साथ में। और जो है यहाँ पर शेड्यूल कास्ट यानी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कहा है कि 50% मार्क्स जो है वो आप लोगों के मास्टर डिग्री में होने चाहिए, ठीक है। बाकी जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 55% मार्क्स चाहिए। तो अभी देख लेते हैं वैकेंसी जो है वो कहाँ से आई है। तो ये देखिए वैकेंसी जो है स्टेट सिलेक्शन बोर्ड, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, भुवनेश्वर से ये वैकेंसी आई है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, परमानेंट पोस्ट है, सैलरी काफ़ी अच्छी जो है आप लोगों को मिलने वाली है। ये वैकेंसी जो है निकाली गई है, लेक्चरर की वैकेंसी है, नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज ऑफ ओडिशा से, ठीक है। 1065 पोस्ट हैं, जो भी नोटिफिकेशन में होता है वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। पे स्केल जो है यहाँ पर है 44,900 से लेकर 1,42,000। परमानेंट पोस्ट है ये, एज पर पे मैट्रिक लेवल 10 के अकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगी। तो इतनी अच्छी सैलरी आप लोगों को यहाँ मिलने वाली है, परमानेंट पोस्ट रहने वाली है। प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा, करियर होगा और आपका वाइवा होगा, ठीक है। तो लेक्चरर की पोस्ट है यहाँ पर और मार्क्स आपके यहाँ पर दिखाए गए हैं, 200 मार्क्स का कुल जो है वो आपका यहाँ एग्जाम होने वाला है। सेंटर क्या रहेगा यहाँ पर, तो जोन ऑफ एग्जामिनेशन बालासोर, ब्रह्मपुर, भुवनेश्वर, बोलांगीर, कटक, जयपुर, संबलपुर जोन, ये रहेगा आपका एग्जामिनेशन सेंटर। एप्लीकेशन फीस जो है वो जनरल कैटेगरी की 500 रुपीज़ जो है लगने वाली है। बाकी जो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, तो इनकी जो लगेगी 200 रुपये। द एप्लीकेशन फी मे बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन इन द फॉलोइंग अकाउंट, तो ऑनलाइन आप लोगों को यहाँ जमा कराना है अकाउंट। यहाँ पर करंट अकाउंट नंबर दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ट्रेजरी ब्रांच भुवनेश्वर, और ये दिया है आईएफएससी कोड, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हर स्टेप को आप पढ़ेंगे उसके बाद ही एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कैसे जो है वो एप्लीकेशन आप लोगों को करना है।
हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करेंगे आप, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे? सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है इस पर जाना होगा, ssbodisha.ac.in। तो ये इसकी मेन वेबसाइट है, स्टेट सिलेक्शन बोर्ड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल नजर आ जाएगा, एक तो आपको रनिंग में ही दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ लेक्चरर इन नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज ऑफ ओडिशा। अभी सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ना तो यहाँ बीएड, बीटीसी, सीटेट कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है, बस आपकी मास्टर डिग्री जो है वही मांगी जा रही है, बाकी यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा गया है। तो यहाँ पर जो है आप लोग डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, डेट 11 सितंबर यानी आज की ही डेट में जो है इसे पब्लिश किया गया है। तो एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ लेक्चरर इन नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज ऑफ उड़ीसा, तो यहाँ पर तो आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। नेक्स्ट जो है वो आप लोगों का यहाँ पर एडवर्टीजमेंट आपको कंप्लीट मिल जाएगी, ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल यहीं पर मिल जाएगा। तो आप एप्लीकेशन करिएगा, यदि आप लोगों को यहाँ पर सही लगता है, इंटरेस्टेड हैं आप, आपकी क्वालिफिकेशन है, आप जा सकते हैं एग्जाम देने के लिए, परमानेंट पोस्ट रहने वाली हैं।